हेलो दोस्तों, आई एम राजू सर फ्रॉम प्रोग्रेस कोचिंग सेंटर। एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आप सब कोई इंग्लिश बोलते हैं, आपको झटका लगेगा, सोचेंगे कि भाई हम भला कैसे इंग्लिश बोलते हैं, जब हम बोलते तो हम ही नहीं जानते। भाई, हम लोग 200 साल अंग्रेजों का गुलाम रहे हैं, तो अंग्रेजी हमारे खून में है। जी हाँ, अंग्रेजी आपके खून में है। अब ये लीजिए, ये क्या है? मार्कर है। मार्कर बताइए, ये हिंदी नाम है? ये क्या है जिस पर मैं लिखा हूँ? व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड क्या हिंदी नाम है? मैं जिससे यह वीडियो बना रहा हूँ, अच्छा वीडियो, वीडियो का हिंदी नाम है। आप जिस कैमरा से यह मैं वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ, तो वीडियो भी अंग्रेजी नाम ही हुआ। यहाँ तक कि दोस्तों, मैं जो ये टी शर्ट पहना हूँ, ये भी अंग्रेजी नाम है। ये मैं पैंट पहना हूँ, ये भी अंग्रेजी नाम है। और पैंट में जो बेल्ट पहना जाता है, वो भी अंग्रेजी नाम है। उसमें चैन लगाया जाता है, वो भी अंग्रेजी नाम है। फोटो अंग्रेजी नाम है। मोबाइल जो आपके हाथ में है, वो भी अंग्रेजी नाम है। मोबाइल जिस स्टैंड पर है, वो भी अंग्रेजी नाम है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी बोलने के लिए ज़्यादा बड़ी बड़ी वर्ड्स को याद करना कोई ज़रूरी नहीं है। छोटी छोटी वर्ड्स, जैसे कि बॉय मीन्स लड़का, कैट मीन्स बिल्ली, डॉग मीन्स कुत्ता, हाउस मीन्स घर। तो इस तरह से अगर आपको याद होगा तो आप जरूर जानते होंगे, डियर मीन्स होता है वहाँ, डियर मीन्स होता है वहाँ होता है, लेकिन उसका प्रयोग बहुत याद से है, जो मैं बृहद रूप में जाना नहीं चाहता हूँ। आप लोग यहाँ देखेंगे, इसको आप यूज ऑफ डियर के नाम से भी जान सकते हैं। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ठीक उसी प्रकार जिस सेंटेंस में जिसका सब्जेक्ट नहीं होता तो उसका डियर होता है। आप लोग देखिए, एक लड़का है, इसमें सब्जेक्ट गायब है, तो उसके जगह पर हम लोग डियर का प्रयोग करेंगे और ये देखेंगे कि सिंगुलर में है कि प्लुरल में है। जब उसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो इज लगाएंगे, और प्लुरल में होगा तो आर लगाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि थार है तो सिंगुलर में रहेगा तो वाज लगाएंगे, प्लुरल में होगा तो वेयर लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, अगर इसको लिखते हैं ई बॉय, दोस्तों यह गलत हो जाएगा। इसको अगर सही करना है उसके लिए हमें इसका सब्जेक्ट डालना पड़ेगा जो कि मिसिंग है, और उसके लिए हम देयर लगाएंगे और उसके साथ इज। देयर इज अ बॉय, अब आप समझ चुके होंगे एक लड़का था, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो होगा देयर इज, नहीं लगेगा दोस्तों। यहाँ था है, भूतकाल का भूत कराता है, तो यहाँ पर वाज लगाएंगे, देयर वाज ए बॉय। दोस्तों यही देखिए, कुत्ते हैं, देखिए पूर्ण सेंस का बोध करा रहा है, तो डॉग्स नहीं लिख सकते हैं आप, डॉग्स नहीं लिख सकते हैं आप। इसका सब्जेक्ट जो है मिसिंग है, उसके जगह पर हम लोग यूज ऑफ डियर करेंगे। यानी कि जिस सेंटेंस का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है उसके जगह पर हम डियर का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे डियर। दोस्तों यहाँ पर कुत्ते हैं, पूर्ण सेंस है, इसलिए यहाँ पर इज नहीं देकर आर दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार कुत्ते थे दोस्तों, तो डॉग्स नहीं लिखकर क्या लिखेंगे? आप लोग समझ चुके होंगे, देयर वेयर डॉग्स। दोस्तों जंगल में शेर है, मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी अंग्रेजी से ही बड़ी अंग्रेजी सीखी जा सकती है। तो अब कैसे होगा, जैसे कि जंगल में शेर है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मे से शुरू हो रहा है। दोस्तों मे से को, ये सब प्रीपोजिशन है, और इसका अंग्रेजी हम लोग शुरुआत में ही बनाते हैं, उसको हम रिमेनिंग मैटर बोलते हैं, जिसको बाद में हम लोग बनाते हैं। इसके शेर का क्या होगा? शेर, जैसे कि आपको बोलना है जंगल है, देयर इज अ फॉरेस्ट, जंगल था, देयर वाज अ फॉरेस्ट, तो ऐसे आप लोग बोलते रहिएगा, तो आसानी से जो कितना यहाँ पर मैं उदाहरण दूँ, आप सारा उदाहरण अपने मन से सोच सकते हैं। बस आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ जिससे आप अंग्रेजी भली भांति बोल पाएंगे। शुरुआत करेंगे इससे तो बड़ी ही आसानी होगी आपको समझने में। देखिए जंगल में एक शेर है, यहाँ पर शेर है वैसे ही बनेगा जैसे एक लड़का है बनाया, देयर इज अ बॉय, तो यहाँ पर होगा देयर इज अ लायन, देयर इज अ लायन। अब जंगल मी है, रिमेनिंग मैटर लास्ट में लिखते हैं। मी का अंग्रेजी क्या होता है दोस्तों? इन मीस में होता है, इन द फॉरेस्ट। इसी प्रकार गांव में बकरियां थी, दोस्तों देखिए गांव में बकरियां थी, तो हम शुरुआत कैसे करेंगे? जैसे कुत्ते थे उस तरह बकरियां थी, शुरुआत में प्रीपोजिशन से शुरू होता है, तो इसको लास्ट में लिखते हैं, मे से के सब लास्ट में लिखते हैं, तो बकरियां थी तो क्या होगा? देयर वेयर गोट्स। अब क्या होगा? देयर वेयर गोट्स, अब गांव में थी तो इसको लास्ट में लिखेंगे, इन द विलेज,
इस प्रकार इसको बना देंगे। अब दोस्तों इस तरह से हम इसको बढ़ाते जाएंगे कैसे, एक गांव में एक लड़का है उसका नाम रामू है। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो एक गांव में एक लड़का है, शुरुआत में इसको बनाना होगा, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है यूज ऑफ देयर करके, तो देयर इज अ बॉय, और एक गांव में है तो में क्या होता है इन, इन अ विलेज, तो देयर इज अ बॉय इन अ विलेज, उसका नाम रामू है। हीज, आप लोग इतना जानते होंगे हीज मीन्स उसका उसके उसके माइनस मेरा मेरे मेरे हर मीन्स उसका उसके उसके, स्त्रीलिंग के लिए होता है, हीज पुलिंग के लिए होता है, रामू पुलिंग है, इसलिए हीज नेम नेम इज रामू। इस तरह से दोस्तों हम बड़े से बड़े कहानी को लिख सकते हैं, दोस्तों इसको हम कहानी से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक लड़का था रहता है की जगह पर रहता था, तो यहाँ पर इज की जगह पर हम लोग लिख देते वाज, देयर वाज ए बॉय, एक लड़का था कहाँ, एक गांव में, इन ए विलेज, एक गांव में एक लड़का था उसका नाम रामू है नहीं करके यहाँ पर था रहता, तो हम लोग लिख देते हिज नेम और केवल इज की जगह पर वाज, उसका नाम रामू था, हिज नेम वाज रामू। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी कहानियां सुन सकते हैं, एक जंगल में एक शेर था, वह लंबा था, वह मोटा था, उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसी तरह नदी में मछली थी, मछली बड़ी चमकीली थी, कैसे कैसे हम वाक्य बना सकते हैं, हम लोग एक पैराग्राफ लिख सकते हैं और बड़ी ही आसानी होगी, और शुरुआत यहाँ से करेंगे तो हम आसानी से कोई भी अनुवाद बना सकते हैं, अंग्रेजी बोलना यही से शुरू हो सकता है दोस्तों, यही से आसान है, रास्ते तो बहुत है लेकिन ये रास्ता जो मैं बता रहा हूँ सबसे सरल है। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ एक कहानी लिख, और आप लोग ऐसी ही कहानी लिखकर बनाइएगा जरूर। एक गांव में एक लड़का था, तो आप बताइए एक गांव में एक लड़का था, मैं बताया हूँ आप लोग एक लड़का था, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है तो उसके जगह पर देयर लगेगा, तो क्या होगा देयर वाज, दोस्तों था है तो वाज लगेगा, है रहता तो ई लगाते, देयर वाज ए बॉय एक गांव में, इन ए विलेज, वो बहुत बीमार था, वह बहुत बीमार था, वाज वेरी सिक, वो बहुत बीमार था, उसके उसका भाई कमजोर और डरपोक था, हिज ब्रदर वाज, क्या था दोस्तों डरपोक, डरपोक का क्या होता है टीमिड, टीमिड एंड वीक, कहानी लिखिए उसको ट्रांसलेट कीजिए, कहानी लिखिए ट्रांसलेट कीजिए छोटे छोटे शब्दों से, ज्यादा अंग्रेजी सीखने के लिए थोड़ा सा अंग्रेजी सीख लीजिए, यह एक सीढ़ी है, यहाँ से सीढ़ी बाय सीढ़ी आप लोग चढ़ते जाइएगा, और हाँ दोस्तों वीडियो अच्छा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा ताकि मेरा मनोबल बना रहे और मैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो बनाता रहूं। 400 से ज्यादा लाइक।